हैदराबाद दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना की राजधानी और वहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। इस पर कई शाहियों, मुगलों और निज़ामों ने शासन किया जिसने इसके इतिहास को आकार दिया है। यह शहर अपने स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है जिसमें चार मीनार की उत्कृष्टि और गोलकुंडा का किला शामिल है। शहर को मूल रूप से बागनगर को उद्यानों का शहर कहा जाता था और बाद में इसका नाम हैदराबाद रख दिया गया जिसका मतलब हैदर का शहर या शेर शहर है। एक दूसरे लोकप्रिय कहानी से पता चलता है कि शहर के संस्थापक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने भगमती के बाद इसका नाम भाग्यनगर रखा, जो एक स्थानीय नौच यानी नाचने वाली लड़की थी जिससे उसने शादी की थी। उस लड़की ने इस्लाम धर्म अपना लिया था और हैदर महल की उपाधि धारण भी की। उनके सम्मान में शहर का नाम हैदराबाद रखा गया होगा। दोस्तों, इतिहास पर नज़र डालें तो पता चलता है हैदराबाद की स्थापना कुतुबशाही सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में की थी। यह चार मीनार के आसपास बनाया गया था जिसने शहर का केंद्र बिंदु बनाया। हैदराबाद हीरे और मोती के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र और सांस्कृतिक केंद्र बन गया है। मुगल शासन की संक्षिप्त अवधि के बाद हैदराबाद के पहले निज़ाम ने 1724 में शहर पर विजय प्राप्त की। निज़ामों के बाद में अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन पर हस्ताक्षर किए और उनका क्षेत्र हैदराबाद राज्य बन गया, जो ब्रिटिश में ब्रिटिश राज्य के साथ सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद शहर के रूप में बनाया गया। इस अवधि के दौरान हैदराबाद में उद्योग, रेलवे, आधुनिक शिक्षा और वायु मार्ग विकसित हुए। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद निज़ाम ने अपने राज्य को नवगठित राष्ट्र में जमा करने की इच्छा नहीं जताई। तब तक तेलंगाना आंदोलन के कारण उनकी शक्ति कमज़ोर हो गई थी। 1956 में हैदराबाद राज्य को भाषाई अंतर के आधार पर विभाजित किया गया और हैदराबाद शहर आंध्र प्रदेश की राजधानी बन गया। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना क्योंकि आगे वीडियो में आपको कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपको भौचक्का करके रख देंगी। हैदराबाद के क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ का क्षेत्रफल 625 किलोमीटर स्क्वायर है यानी कि 241 वर्ग मील। एवं मेट्रो के क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ मेट्रो का क्षेत्रफल 7257 किलोमीटर स्क्वायर है यानी कि 2802 वर्ग मील। दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार हैदराबाद की कुल जनसंख्या 68,09,970 है। यहाँ की साक्षरता दर की बात करें तो यहाँ का साक्षरता दर 82.96% है जिनमें पुरुषों का 85.96% और महिलाओं का 79.79% है। यहाँ के लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 945 महिलाओं का है। हैदराबाद के भूगोल पर नज़र डालें तो हैदराबाद के 566 किलोमीटर दूर दक्षिण में दिल्ली, 699 किलोमीटर दूर दक्षिण में मुंबई और 570 किलोमीटर के उत्तर में बेंगलोर है। शहर में कई झीलें हैं जिन्हें सागर कहा जाता है। इनमें से कई सागर जैसे हुसैन सागर, उस्मान सागर, हिमायत सागर आते हैं। हैदराबाद के जातियात पर नज़र डालें तो पता चलता है कि हैदराबाद के निवासी मुख्य रूप से तेलुगु और उर्दू वाले लोग हैं जिनमें अल्पसंख्यक बंगाली, सिंधी, कन्नड़, मेमन, नवेथी, मलयालम, मराठी, गुजराती, पंजाबी आदि हैं। यहाँ के मुख्य धर्मों की बात करें तो हिंदू धर्म 64.93% है, इस्लाम धर्म 30.13% है, ईसाई धर्म 2.75% है एवं अन्य धर्म 2.19% हैं। दोस्तों, हैदराबाद अपने पर्यटक स्थलों के लिए बहुत मशहूर है। इनमें से कुछ पर्यटक स्थल इस प्रकार हैं: चार मीनार, गोलकंडा का किला, लुम्बिनी पार्क, बिरला मंदिर, सलार जंग म्यूजियम, एनआरटी गार्डन, नेहरू जूलॉजिक पार्क, मक्का मस्जिद, श्री जगन्नाथ मंदिर, चिलकुर बालाजी आदि हैं। दोस्तों, हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर नज़र डालें तो पता चलता है हैदराबाद डेक्कन रेलवे लोकप्रिय रूप से नामपल्ली के नाम से जाना जाता है। यह रेलवे स्टेशन 1907 यानी 114 साल पहले खोला गया था। यह रेलवे स्टेशन दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा संचालित किया जाता है।
यहाँ के प्लेटफॉर्म की संख्या 6 है एवं ट्रैक्स की संख्या 7 है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।